नमस्कार साथियों, देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट है जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो इस पार्ट में मैं आपको ग्लैंड्स कौन सी किस प्लेस पर स्थित होती है और हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप और हम लोग ग्लैंड्स की सिचुएशंस देख लें कि कौन सी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ब्रेन होता है, ब्रेन में डाइन्स ऑफ सेफेलोन के बेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है। ये डाइनसेफेलॉन है, ये डाइनसेफेलॉन, सेफेलॉन के बेसल पार्ट, ये जो ग्लैंड्स है ये ग्लैंड्स मुख्य रूप से आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स यानी कि एक ग्लैंड्स जो है वह ब्रेन में स्थित होती है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इस हाइपोथैलेमस से ही स्फीनॉइड बोन, ब्रेन में एक स्फीनॉइड बोन पाई जाती है। उस स्फीनॉइड बोन के एक्सप्रेशन से मुख्य रूप से एक शैल कोशिका का निर्माण होता है। देखिए ये इस प्रकार से, ये जो पार्ट है ये सेला टर्शिका है। सेला टर्शिका में एक बोन प्रेजेंट होती है जिस बोन को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है यहां जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड कहा जाता है बच्चों? पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। इसका मतलब तीन ग्लैंड, कितनी ग्लैंड? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ही नीचे मुख्य रूप से एक ग्लैंड निकलती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, और एक ग्लैंड स्थित होती है ब्रेन में पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान रखेंगे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वह स्पिनोइड बोन के एक्सप्रेशन जो मुख्य रूप से गड्ढे जैसी कुछ संरचना बन जाती, खांचा जैसे लिखा है, जिसको सेला टर्शिका कहा जाता है। सेला टर्शिका में ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये बताया गया। अब दूसरी चीज मुख्य रूप से आता है, अपने को ब्रेन से तो कोई मतलब है नहीं है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आता है, इस पार्ट पर ध्यान रखिए। ये पार्ट क्या कहलाता है? वाइन ट्रैक कहलाता है, यानी वायु नाल जो होता है, वायु नाल के इस प्रकार से ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइज में मटर के आकार की दो जोड़ी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। सामने से नहीं दिखाई देती, पीछे दिखाई देती है। फिर इसी के नीचे इस प्लेस पर एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसको थायमस ग्लैंड कहा जाता है। बच्चों कौन सी ग्लैंड कहा जाता है? थायमस ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपके ये किडनी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? किडनी। किडनी के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर में जो ग्लैंड स्थित होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है।
कौन सी ग्लैंड कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, विशेष तौर पर ध्यान में रख लीजिए। और इसी जगह एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसको पेंक्रियास ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि पेंक्रियास ग्लैंड का 2% भाग आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस होता है, जो हार्मोन स्रावित करते, हार्मोन सीक्रेट करते। इस वजह से मुख्य रूप से इनको भी बताना बहुत आवश्यक है ये कहाँ प्रेजेंट होती है। इसके बाद मुख्य रूप से आपके मेल में यदि चर्चा करें तो ये स्क्रोटम पाउच पाए जाते हैं। इस स्क्रोटम पाउच में मुख्य रूप से ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते जो भी हार्मोन सीक्रेट करते, जो टेस्टोस्टीरोन हार्मोन, कौन से हार्मोन बच्चों? टेस्टोस्टीरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लिख दूं, टेस्टोस्टीरोन हार्मोन सीक्रेट किया गया। यदि फीमेल होती है तो फीमेल में मुख्य रूप से यहां ये ओवरी होती हैं, ओवरी ओवरी भी मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। तो इसका लिख दूं मैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से इस ओवरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ये मेन ग्लैंड्स हैं जो कि मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के हार्मोन इनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा लिवर पार्ट होता है, किडनी पार्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पार्ट होता है, और आपका हार्ट होता है, जिनके द्वारा कुछ हार्मोन मुख्य रूप से सीक्रेट किए जाते हैं। इनके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पार्ट, लिवर पार्ट, किडनी पार्ट और आपका हार्ट पार्ट जो रहता है वह भी हार्मोन मुख्य रूप से सीक्रेट करता है। तो ये है आपके ग्लैंड्स की सिचुएशन, कौन सी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा सा फोटो ले लीजिए, ले लिया तो विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई पूछता है कि ब्रेन में कौन सी ग्लैंड और कितनी ग्लैंड संख्या में स्थित होती है, तो तीन ग्लैंड स्थित होती हैं, फोर ब्रेन के डाइनसेफेरॉन के बेसल पार्ट पर, डाइन्स आपके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से मुख्य रूप से सेरा टर्शिका में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहीं आगे इसके पीनियल ग्लैंड मुख्य रूप से प्रेजेंट होती है। तो ले लीजिए किसका फोटो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिया। देखिए अब आप और हम लोग चर्चा करते हैं, सीधे सीधे एक एक ग्लैंड्स पर चर्चा होगी अपनी। तो सबसे पहले मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस, आपको ये जो ग्लैंड मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स है वह ग्लैंड्स मुख्य रूप से सभी ग्लैंड्स पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। यानी कि ये कहा जाए हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स है वह पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मुख्य रूप से कंट्रोल करती है। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये बताया गया, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है वह अन्य जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के क्या फंक्शन हुआ? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंथेसिस एंड रेगुलेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले देखें हाइपोथैलेमस ग्लैंड, चलिए देखें आपको मैं डायग्राम्स के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं वो एक साथ बताई जाएंगी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये क्या है, इनफंडी बुलम, ठीक है? ये क्या पार्ट हो गया, इनफंडी बुलम हुआ। ये कौन सी ग्लैंड्स है, पूरा नाम लिखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, यहां मैं लिख रहा हूं, आप लोग जरा नोट कर लेना, क्यों मिटालना पड़ेगा। सिचुएशन स्थिति कहां है, फोर ब्रेन के डाइन
सेफेलॉन के बेसल पार्ट में पहली चीज, ठीक है, बेसल पार्ट में स्थित होती है। दूसरी चीज, इट कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए, चलिए मैं बना रहा हूं, सेवरल ग्रुप बनाने जा रहा हूं। देखिए, ये बना दिए गए, ठीक है, तो इनको न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स कह दीजिए, ठीक है। फिर इधर भी पाए जाएंगे, ये इस प्रकार से आएंगे, अभी इनका बताते हैं। यहां से आपके ये क्या निकल रहे हैं, आर्टरी और आर्टरी से ये क्या वेन्स हो गई। इनके द्वारा यहां हार्मोन को सीक्रेट किया जाएगा और ये हार्मोन कहाँ आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। क्लियर? यानी पोर्टल, पोर्टल सिस्टम में क्या हुआ, किसी अंग से किसी पदार्थ को दूसरे अंग में डाला जाए तो वह पोर्टल सिस्टम कहलाता है। यानी कि ब्लड को या सीक्रेट पदार्थ को मुख्य रूप से दूसरे सीधे हार्ट में ना डालते हुए किसी दूसरे में डाल रहे हैं, तो इस वजह से इसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्टल सिस्टम मुख्य रूप से कहा जाता है। जो ये हार्मोन को लाकर मुख्य रूप से, अभी मैं बताऊंगा कि कहां पर छोड़ेंगे। पहली चीज आप हाइपोथैलेमस में सुनते चले, तो ये हुआ। दूसरा बताया जाता है इनका क्या फंक्शन होता है, दीज हार्मोन जो इनके द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं, दीज हार्मोन किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के द्वारा। दीज हार्मोन रेगुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्लियर लिख दिया गया। कुछ बातें हैं हाइपोथैलेमस जो आपको नोट करनी है, बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। और मेरे ऐसे साथी जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वह मुख्य रूप से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर बैंड के डायनसेफेरॉन के बेसल पार्ट पे स्थित होती है, तो ये पूरी ये जो ग्लैंडल ब्लैक कलर की ये लाइन ये स्थित है। ये इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स के मुख्य रूप से बने होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। यानी कि न्यूरॉन सेल्स के ऐसे पार्ट जो ट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, उनको हार्मोन नहीं कहा जाता, वो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। वह मतलब सेंस पार्ट को, यानी कि सेंसरी संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, उनको न्यूरो ट्रांसमीटर मटेरियल कहा जाता है। लेकिन ये जो न्यूरॉन सेल्स के ये साइटोन वाले पार्ट है, यह एक मुख्य पदार्थ साबित करते हैं जिनको हार्मोन कहा जाता है, जिनको हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के कहलाते हैं, तो इस वजह से लिख दिया गया, दीज हार्मोन रेगुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, उनके कार्यों का नियंत्रण करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो एक चीज ये हुआ। अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया,
मैं इसको मिटालने जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहीं से आपको एक चीज और बतानी, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिचुएशन। चलिए, इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा 9 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। हार्मोन मुख्य रूप से कितने सीक्रेट किए जाते हैं? 9 हार्मोन। एक तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, टाइप के रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे, जिनकी संख्या मुख्य रूप से नियंत्रण के आधार पर 9 होती है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए कार्य करेंगे। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे कि ये जो रिलीज हार्मोन हो रहे हैं उनको बंद करने का, उनको रोकने का कार्य मुख्य रूप से इनहिबिटिंग करते। तो इस प्रकार से 9 हार्मोन यह होते हैं। पहली चीज तो ये हुई, ले लीजिए फोटो, ले लिया। चलिए, अब देखिए मैंने क्या बताया था, स्फीनॉइड बोन के सेला टर्सिका वाले पार्ट में जो एक्सप्रेशन स्फीनॉइड बोन से बनते हैं, जिनको सेला टर्सिका कहा जाता है, उसमें ग्लैंड स्थित होती है। एम्ब्रियो लेवल पर इसमें 3 लोब बनते हैं। एम्ब्रियो लेवल पर देखिए, मैं अलग से बना रहा हूं, ये आए 3 लोब पाए जाते हैं। ये जो लोब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, ये जो लोब है यह एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, और ये जो लोब है यह इंटरमीडिएट लोब है, यानी मध्य में पाया जाता है। ये लोब बाद में समाप्त हो जाता है और सिर्फ 2 लोब पाए जाते हैं, जिन लोब को मुख्य रूप से एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। इसका जो पार्ट होता है, देखिए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, यही मैं बता दूं, फिर अलग से बता दूं, 1, 2 और 3 भाग होते हैं। ये वाला जो भाग होता है, कौन सा? ये वाला भाग, जिसको पार्स डिस्टेलिस कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? पार्स डिस्टेलिस कहा गया। यह एंटीरियर लोब में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एंटीरियर लोब में। ये वाला जो भाग है इसको पार्स इंटर मीडिया कहा जाता है, जो इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको मिलेनोसाइट्स ऑफ मिलेनोसाइट सीक्रेटिंग हार्मोन यानी MSH। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको पार्स नर्वोसा कहा जाता है। ये लीजिए, ये इस प्रकार से 3 होते। लेकिन जैसे ही ये एम्ब्रियो लेवल की कंडीशन है, ये कहां की कंडीशन? एम्ब्रियो लेवल की कंडीशन है। उसके बाद आफ्टर जन्म, मतलब आफ्टर बर्थ, सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या होता है कि ये वाला जो लोब होता है ये समाप्त हो जाता है। और यहां पर ये देखिए, इस प्रकार से ये कंडीशन बन जाती है। तो उस दौरान कहा जाता है इंटरमीडिएट लोब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से जुड़ जाता है। तो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया पास पास मुख्य रूप से होते हैं। तो ये स्थिति आपकी बताई जाती है। तो अब इस स्थिति को मैं यहां बता दूं, क्लियर? देखिए क्या बताया मैंने अभी तक, 3 लोब पाए जाते हैं एम्ब्रियो लेवल पर, एंटीरियर पोस्टीरियर और मिडिल लोब, इंटरमीडिएट लोब जिसको कहा जाता है। एंटीरियर लोब का जो पार्ट होता है इसको पार्स डिस्टेलिस जो हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका जो होता है वो पार्स इंटरमीडिएट जो हार्मोन सीक्रेट करता है, ये पार्स नर्वोसा जो हार्मोन रिलीजिंग करता है, हार्मोन रिलीजिंग करता है। मैं यहां सीक्रेशन नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस पार्ट के द्वारा, पार्स नर्वोसा के द्वारा किसी प्रकार का हार्मोन नहीं बनाया जाता है, सिर्फ यहां स्टोर किया जाता है। यह जो पार्ट है वह रिलीजिंग का कार्य करता है, सीक्रेशन नहीं, रिलीजिंग का कार्य करता है। विशेष ध्यान रखेंगे, निर्माण का कार्य नहीं, यहां हार्मोन निर्माण हो रहा है, यहां मुख्य रूप से निर्माण नहीं हो रहा है, ये विशेष ध्यान में आपको रखना है। चलिए ले लीजिए इसका,
विशेष ध्यान कंडीशन क्या है, मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूं एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए क्या कंडीशन होती है, सीधे सीधे ये हाइपोथैलेमस है ये हाइपोथैलेमस बच्चों, हाइपो थैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से ये एक पिंड निकल रहा है, एक लोब निकलता है, एक लोब निकलता है जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, दूसरी भाषा पोस्टीरियर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लोब कहा जा रहा है इसको। ये लीजिए, इसमें हार्मोन रिलीजिंग वाला पार्ट होता है जिसको पार्स नर्वोसा कहा जाता है। यानी वास्तविक तौर पर हाइपोथैलेमस का यह खास है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से सिर्फ यही भाग निकल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहां एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको नेजोफेरिंजियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको नेजो मेम्ब्रेन कहा जाता है, नेजोफेरिंजियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस नेजोफेरिंजियल मेम्ब्रेन से एक निकलता है ऐसे, इस प्रकार से, जो जाकर यहां जुड़ जाता है, इस जगह ये जुड़ गया। तो ये इसका कौन सा पार्ट है, एंटीरियर लोब, कौन सा पार्ट है बच्चों, एंटीरियर लोब है। यानी एंटीरियर लोब वास्तव में हाइपोथैलेमस का खास नहीं है, एंटीरियर लोब वास्तव में हाइपोथैलेमस का खास नहीं है। इस वजह से अभी मैंने कहा गया था कि हाइपोथैलेमस के जो ये पार्ट होते हैं यह मुख्य रूप से हार्मोन बनाते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं और इनको हार्मोन पहुंचा देते हैं, और यहाँ ये रिलीजिंग का सिर्फ कार्य करता है। इनके द्वारा स्वयं हार्मोन डेवलप किए जाते हैं, एंटीरियर लोब यानी एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको क्या कहा जाता है, इसका ये वाला पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसमें ये जो पार्ट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सीधे सीधे आपके पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, इसमें दो पाए जाते हैं। ये जो पिंड बन रहा है ये वाला, इसको रूथेक्स पाउच कहा जाता है, कौन सी पाउच कहा जाता है, रूथेक्स पाउच कहा जाता है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि कोई पूछ ले कि रूथेक्स पाउच क्या होती है, नेजो मेम्ब्रेन से निकलने वाली एक ये इधर थैली जैसी संरचना ही मुख्य रूप से क्या कहलाती है, रूथेक्स पाउच कहलाती है, क्या कहलाती है, रूथेक्स पाउच के नाम से इसको जाना जाता है। पहली चीज तो आपकी ये हुई कि यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस इस हाइपोथैलेमस का खास नहीं है, दूर का रिश्तेदार है। पहली बात, जो ये पार्ट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये हाइपोथैलेमस का सगा भाग है, क्या, सगा रिश्तेदार है, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस वाले पार्ट का, अब यहां मैं बना दे जा रहा हूं, देखिए कैसे क्या होता है। चलिए तो ध्यान रहेगा बच्चों, अब मैं बड़े में बनाने जा रहा हूं, देखिए कि यहां से एक पिंड इस प्रकार से और दूसरा जो रेड कलर का पार्ट है, ब्लू कलर में बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक कलर का भाग है इसको क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये देखें, ये एडिनो हाइपो
हाइपोफाइसिस होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि आपका ये वाला जो भाग है यही भाग एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है। कौन सा लोब है? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है। इस भाग में दो लोब स्थित होते हैं, या एंटीरियर पिट्यूटरी लोब इसको कह दें, पार्स डिस्टेलिस जिसको कहा जाता है, और एक इंटरमीडिया वाला भाग होता है। इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाऊं, ये वाला जो भाग है यह पार्स डिस्टेलिस कहलाता है, और जो मिडिल लोब का जो पार्ट था जो इसमें मिल गया जिसको क्या कहा जाता है, मिडिल पिट्यूटरी लोब अर्थात पार्स इंटर मीडिया, ये लीजिए ये हो गया। पहले तो आप यहीं से सुने, ये इसके खास नहीं है, विशेष ध्यान रखेंगे। खास कौन सा? ये वाला भाग होगा। अब यहां से मुख्य रूप से ये जो देखिए ये आ रही है, ये लीजिए, ठीक है। तो ये जो भाग है ये विशेष तरीके से आप देख रहे हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है। कौन सी वेन? पोर्टल, ठीक है। यहां अब इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उस पर जो कंट्रोल करेगा वो इसके द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन हो रहे हैं वो ये आ रहे हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। इनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होंगे, इनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होंगे, उन हार्मोन पर जो कंट्रोल कर रहा है इसके द्वारा जो हार्मोन, देखिए ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा इसके द्वारा, अभी मैं बताऊंगा। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट हुआ, क्लियर? पहली बात आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन इसी के द्वारा सीक्रेट होता है, पार्स डिस्टेलिस के द्वारा, ठीक है। तीसरा हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट होगा, यह मैं रेड कलर में लिखने जा रहा हूं, जिसको MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता, वो इनके द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट हो रहे हैं। विशेष ध्यान आपको ये रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है? विशेष तौर पर मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है कि ये इनके द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट किए जा रहे हैं। अब मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो वाले भाग होते हैं, यानी तीन हार्मोन मुख्य रूप से ऐसे हैं जो इनके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, इनके द्वारा नियंत्रण किए जाएंगे, और ये मुख्य रूप से ऐसे हैं जो सीक्रेट होंगे वह स्वयं नियंत्रित होते रहेंगे, ठीक है। तो GH प्रोलैक्टिन MSH, इसके अलावा मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको बता दूं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, यानी सीधे सीधे मुख्य रूप से आपके इसके दो हार्मोन होते हैं LH एंड FSH, ठीक है। फिर आपके कौन सा भाग होता है, एड्रिनो एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, यानी सीधे सीधे देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा कितने सीक्रेट होते हैं? 7। तो यहां LH और FSH इसके दो हो गए, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। तो इस प्रकार से 7 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं, और 9 हार्मोन जो है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। पहली चीज तो ये हुआ। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये लीजिए, ये इसका खास भाग है
हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस का ये खास भाग है। ये भाग क्या कहला रहा है, ये वाला भाग, ये न्यूरो हाइपोफाइसेस, इसमें जो लोब है वह रेड कलर का बनाया हुआ है, इसको क्या कहा जा रहा है, पार्स नर्वोसा, जो हार्मोन बनाने का कार्य नहीं करता है, सिर्फ उन हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करने का कार्य करता है। हार्मोन कहां से बनेंगे, यहां से, ये देखिए बन के आ रहे हैं, ये हार्मोन इन भाग के द्वारा मुख्य रूप से बनाए जाएंगे, हाइपोथैलेमस के इन भाग के द्वारा मुख्य रूप से हार्मोन बनाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के इन भाग के द्वारा हार्मोन बनाए जाते हैं, और ये सीक्रेट होते यहां आते हैं, इसमें आकर मुख्य रूप से ये आ रहे हैं हार्मोन, ये देख यहाँ स्टोर हो जाते हैं पार्स नर्वोसा में। पार्स नर्वोसा सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग का कार्य करता है, काय का कार्य करता है, रिलीजिंग का कार्य मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ये इनकी सिचुएशंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सा भाग क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, एंटीरियर कहाँ होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, कौन से भाग, ये दोनों भाग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये वाला जो भाग है वह हार्मोन को रिलीज करने का, सीक्रेट मतलब प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, ये दोनों भाग प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, जबकि ये प्रोडक्शन का कार्य नहीं कर रहा, स्टोर का एंड रिलीजिंग का मुख्य रूप से कार्य करता है। पहली चीज आप ये ध्यान में रख लेना कि पूछा जा सकता है नीट में, नीट में पूछा जा सकता है कि पार्स नर्वोसा के द्वारा हार्मोन सीक्रेट, हार्मोन का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे हार्मोन का यहां प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ स्टोर और रिलीजिंग का फंक्शन इनके द्वारा किया जाता है। ये है तो 9 हार्मोन पढ़ने हैं आपको ये वाले, और पिट्यूटरी ग्लैंड के 7 हार्मोन ये पढ़ने हैं आपको। इनके कार्य क्या होंगे वह मैं आपको बताऊंगा, डिसीज जो होंगी वह अगले पार्ट में मैं बताऊंगा एक साथ, ठीक है? तो इसको कर लीजिए, अब इसको मैं पूरे को मिटा लूंगा, कर लीजिए, ठीक? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड किस प्रकार से, कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं और क्या कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं लिख लूं यहां, तो लिख दें हाइपोथैलेमस इस साइड लिख दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के, देखिए तो विशेष ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा 9 हार्मोन और इसके द्वारा मुख्य रूप से 7 हार्मोन के बारे में आपको चर्चा करनी है। यही कहीं आपके टारगेट ऑर्गन में लिख रहा हूं, टारगेट ऑर्गन से मतलब तात्पर्य रहेगा कि ये हार्मोन किस अंग पर कार्य करता है, ठीक है? तो चले सबसे पहले आप बताया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर एक, पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने हार्मोन बताने, 7 हार्मोन बताने, तो नंबर एक मुख्य रूप से आता है वह मुख्य रूप से कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इनके द्वारा किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते थे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग, रिलीजिंग पॉजिटिव फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन प्रोडक्शन को रिलीज करने में हेल्प करेंगे, इनहिबिटिंग यानी कि वह रोकने का कार्य करेंगे कि भैया अब मेरे पास, उस ऑर्गन के पास पर्याप्त हार्मोन है, अब तू स्रावित मत कर, यानी बंद करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं, तो वह इनहिबिटिंग कहलाएंगे। लिख दूं मैं यहां, रिलीजिंग और दूसरा
इनहिबिटिंग, ठीक है, ये दो टाइप्स के लिख दिए। अब ग्रोथ हार्मोन, यानी इसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएच, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएच कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीएच। इसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है, एसटीएच, सोमेटो ट्रॉफिक हार्मोन, यानी एस टी एच, ये एक हार्मोन हुआ। ये हार्मोन किस ऑर्गन पर कार्य करेगा, पहली बात, यह कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर वर्क नहीं करता है, यह कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर सब शरीर में सबसे ज्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, दीज आर अबंडेंट हार्मोन, लिख दीजिए, दीज आर अबंडेंट हार्मोन, यानी सबसे ज्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन यही होता है। यह कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन पर कार्य नहीं करता, इट डज नॉट पर्टिकुलर ऑर्गन, इट डज नॉट पर्टिकुलर ऑर्गन, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गन पर कार्य यह नहीं करता है, तो फिर कहाँ कार्य करेगा, यहां मसल्स सेल पर कार्य करेगा, लिवर पर कार्य करेगा, किस पर कार्य करेगा, लिवर पर मुख्य रूप से कार्य करेगा, ठीक है, फिर आपके मसल बोन सेल्स पर कार्य करेगा, किस पर कार्य करेगा, देखिए मसल सेल पर कार्य करेगा, लिवर नहीं लिखा है, लाइव कर दिया है, गड़बड़ हो जाएगा, मसल सेल पर कार्य करेगा, लिवर सेल्स पर कार्य करेगा और बोन सेल्स पर कार्य करेगा, इसके अलावा कनेक्टिव सेल्स पर मुख्य रूप से कार्य करता है, ये इन पर कार्य करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन है अपने शरीर की वृद्धि करने का कार्य करता है, अपने शरीर की वृद्धि करने का कार्य करता है, इस वजह से इसको ग्रोथ हार्मोन कहा गया। तो ये नहीं कि किसी एक ऑर्गन को पर्टिकुलर कार्य करके उसको लंबा कर दे, वृद्धि कर दे, ऐसा नहीं होता। इस वजह से यह पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पर कार्य न करते हुए होल बॉडी पर कार्य करता है, क्या पूरी की पूरी बॉडी पर मुख्य रूप से कार्य करता है, इस वजह से लिख दिया मसल सेल, यानी अपने में मसल जो पाई जाती है उन पर कार्य, लिवर पर कार्य करेगा, बोन पर कार्य करेगा, कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव सेल्स पर मुख्य रूप से इनके द्वारा कार्य किया जाएगा विशेष तौर पर, और इनके द्वारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाए जाते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, सीधे सीधे IGF शॉर्ट में कहा जाता है, IGF, ठीक। अब ये जो है हाइपोथैलेमस इनके कार्यों को कैसे नियंत्रण करता है, तो इसके द्वारा मुख्य रूप से दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, पहली कह रहा हूं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, पहली मैंने कह दिया रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग, तो नाम कौन सा होगा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन ऐसे लिख दो, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, यानी शॉर्ट में आप कर सकती है GHRH, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का कार्य करता है, यह इसके लिए स्वाभाविक है, इस हार्मोन के लिए पॉजिटिव फंक्शन करता है, कैसा कार्य कर रहा है, पॉजिटिव कार्य कर रहा है, पहली बात। दूसरा मुख्य रूप से इसका भाग होगा, दूसरा तो वो कौन सा होगा, ग्रोथ इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, स्वाभाविक है इसको GHIH शॉर्ट में कह दीजिए GHIH, यानी ये जो है इसके लिए निगेटिवली कार्य करेगा, ये एक हार्मोन हुआ। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है वह ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेशन के लिए कार्य करेगा कि भैया तुमने जो हार्मोन प्रोडक्ट किए हैं, बनाए हैं, अब उनको रिलीज करो, अब उनको क्या करो, रिलीज करो, तो ये रिलीज करवाए, यानी पॉजिटिव फंक्शन कर रहा है हाइपोथैलेमस का द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है।
लेकिन दूसरा जो हार्मोन है इनहिबिटिंग नेचर का, वह कहता है भैया अब तेरे हार्मोन जो रिलीज हो रहे थे वह पर्याप्त ऑर्गन तक पहुंच गए, अब ज्यादा रिलीज करने की आवश्यकता उस जगह तक पहुंचाने की नहीं है, अब तू उनको रोक दे। तो वह जो हार्मोन इनहिबिटिंग वह रुकवाने का कार्य करता है, तो वह यहाँ पॉजिटिव निगेटिवली फंक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिवली फंक्शन किया। पहली चीज तो ये हुआ, इधर एक इधर दो, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए भाइयों। दूसरा हार्मोन, इसको इधर लिखा जाता तो सही था, तो यहां इधर लिख दो थोड़ा। ये आपने आप नोट तो कर लिया होगा ना, तो चलिए मैंने हटा दिया क्योंकि यहां दूसरा हार्मोन भी आएगा तो जिससे कार्य लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ, यहां मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं, आई जी एफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इनके द्वारा रिलीज होते हैं। दूसरा हार्मोन मुख्य रूप से कौन सा आता है वह सुनिए, प्रो ब्लैक से चल रहा है तो ब्लैक से ही चलेगा भाई, प्रो लेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है वह मुख्य रूप से कहाँ कार्य करेगा? इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वह मेमेरी ग्लैंड होता है। मेमेरी ग्लैंड अर्थात ये क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन, विषय ध्यान रख लें, मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करता है, मिल्क रिलीज का नहीं, मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करता है। और मिल्क प्रोडक्शन मेमेरी ग्लैंड जो पाई जाती है, तो मेमेरी ग्लैंड में क्या होता है, मिल्क बनता रहता है। कहां से प्रोडक्ट हो रहा है वो किस हार्मोन के द्वारा होगा, वह प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होगा। और सीक्रेशन का जो कार्य करेगा वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है, वह मैं आपको बताऊंगा बाद में क्योंकि वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमेरी ग्लैंड में पहुंचकर मिल्क प्रोडक्शन का कार्य कराता है, ये आपका दूसरा। अब यहां मुख्य रूप से क्या होगा, तीसरे नंबर का जो सीक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन यानी प्रोलैक्टिन लिखिए, आर एच, पी आर एच मैंने लिख दिया पूरा लिखूं, प्रोलैक्टिन आर एच, ये आर एच यानी रिलीजिंग हार्मोन ये, और इसके द्वारा दूसरा जो होगा वह प्रोलैक्टिन आई एच हार्मोन यानी इनहिबिटिंग हार्मोन, ये मुख्य रूप से क्या करेगा, इसके लिए पॉजिटिव फंक्शन और ये इसके लिए नेगेटिव फंक्शन, यानी कि प्रोलैक्टिन आर एच इन ग्लैंड्स को मुख्य रूप से कहेगा कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया गया उसको आप रिलीज करिए और मेमेरी ग्लैंड में पहुंचकर मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करवाइए। तो ये यहां से रिलीज होगा, मेमेरी ग्लैंड में पहुंचेगा ये हार्मोन और मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करवाएगा। ये कहेगा नहीं भैया अब मिल्क प्रोडक्शन बहुत हो चुका है, अब आप रुक जाओ, अब वहां स्टोर के लिए जगह नहीं है, तो ये मुख्य रूप से रोकने का कार्य करता है। पहली बात तो ये हुआ, तीसरा हार्मोन, दूसरा हार्मोन, तीसरे नंबर का जो हार्मोन आता है बच्चों, तीसरे नंबर का मेलेनोसाइट स्टीमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टीमुलेटिंग हार्मोन, यह जो हार्मोन है इसके लिए टारगेट ऑर्गन कौन कौन से भाग होंगे देखिए, स्किन जहां कलर होता है हेयर और आयरिस, ये इसके टारगेट ऑर्गन होंगे। ये यहां पहुंचकर मुख्य रूप से मेलेनोसाइट्स जो है सेल्स हैं, मेलेनोसाइट सेल्स हैं, इनके द्वारा मुख्य रूप से एक पिगमेंट्स बनाया जाता है जिसको मिलेनिन पिगमेंट कहा जाता है, जो कलर प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से क्या हुआ, विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो है शॉर्ट में एमएसएच कहलाता है, शॉर्ट में एमएसएच कहलाता है, और यह है पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन है, पहले भी मैंने बताया था इंटर
मीडिया का हार्मोन है। कहां का हार्मोन है? पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन होता है। तो तीन हार्मोन हो गए बच्चों। अब देखिए इसका पांचवें नंबर का हार्मोन और छठवें नंबर का हार्मोन देखिए। तो यहां मुख्य रूप से आपको क्या लिखा था, यहां लिख दूं शॉर्ट में, अब लिख रहा हूं MSH RH और MSH IH, यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्वाभाविक है सीधे सीधे रिलीजिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधे सीधे इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या करेगा, वही इसके लिए ये पॉजिटिवली कार्य करेगा, यानी सीधी सीधी कहेगा कि तुम हार्मोन रिलीज करो, और ये कहेगा कि तुम उन हार्मोन को रोक दो, रोक दो, ये रोक देता है। इस तरीके से ये कार्य करता है। तो कितने हार्मोन हो गए, 9 हार्मोन पढ़ने थे, 6 हार्मोन, यहाँ 3 हुए, यहाँ 6 हार्मोन हो गए, इसमें 4 पढ़ने हैं और इसमें मुख्य रूप से 3 पढ़ने हैं, ठीक। अब आता है आपका चौथे नंबर का हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख लीजिए, TSH की कोई जगह नहीं है, इस वजह से मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं यहां पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग, चलिए जहां तक जगह है वहां तक लिख देता हूं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चलिए ये लिख दिया गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको थायरोट्रोपिन भी कहा जाता है, थायरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो टारगेट ऑर्गन होगा वह कौन सा होगा, होगा थायराइड ग्लैंड। देखिए आप ध्यान में रखें, ये तीन ग्लैंड के टारगेट ऑर्गन के द्वारा किसी प्रकार का कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है। इन तीन ग्लैंड जी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिलेनोसाइट हार्मोन, इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो टारगेट ऑर्गन किसी प्रकार का कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा, इस वजह से ये इनके द्वारा नियंत्रित हो रहा था, इनके द्वारा। लेकिन ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, वह एक अन्य ग्लैंड के कार्यों पर नियंत्रण कर रहा है। वह अन्य ग्लैंड कौन सी थी, थायराइड ग्लैंड, उन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उनके कार्यों पर, उनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है कि स्रावित करना है कि नहीं करना है, उनके कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य ये हार्मोन करता है। तो देखिए कैसे करेगा ये हार्मोन, यहां इसका छठवें नंबर का हार्मोन मैं लिख दूं, यहां देखिए अब थोड़ा सा मैं कलर डॉट उपयोग कर रहा हूं, यहां सातवें नंबर का हार्मोन देखिए, तो सातवें नंबर का थायरो ट्रोपिन आरएच, इनहिबिटिंग नहीं होगा, इनहिबिटिंग नहीं होगा, सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन होगा, सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन होगा, इनहिबिटिंग क्यों नहीं होगा वह मैं अभी बताता हूं। देखिए थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या, सॉरी टीएसएच हार्मोन के द्वारा किस पर कार्य किया जा रहा है, थायराइड हार्मोन के, थायराइड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उनको थायराइड हार्मोन कहा जाएगा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, थायराइड हार्मोन कहलाएंगे। थायराइड हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होते चले जाएंगे, स्रावित होते चले जाएंगे, स्रावित क्या बहुत ज्यादा स्रावित होंगे, नहीं, जैसे ही मुख्य रूप से ये हार्मोन स्रावित कर देगा, हार्मोन पर्याप्त मात्रा में, ये इसको रोक देगा, ये इसको रोक देगा, यही सीधी लाइन लंबी, ये हार्मोन इनको रोकने का कार्य करेगा के नहीं अब मेरे पास पर्याप्त है, अब आप अपने कार्य को बंद कर लीजिए, अब आप अपने कार्य को बंद कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार की मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। इसने स्वयं हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित कर रहा था, लेकिन किनके माध्यम से, टीएसएच के कंट्रोल में हो रहे थे। जब हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो गए तो अब ये कार्य ये इसके पास मैसेज पहुंचाएगा कि अब आप मेरे ऊपर दबाव ना दें हार्मोन के लिए, क्योंकि मैं हार्मोन पर्याप्त है, यानी निगेटिव सोच रख रहा है, ये हार्मोन निगेटिव सोच रख रहा है। तो वहां इधर इसके द्वारा भी इसको भी निगेटिव
मैकेनिज्म क्या? निगेटिव फीड मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक दिया जाएगा, निगेटिव फीडबैक दिया जाएगा कि भैया हार्मोन बहुत स्रावित हो गए, अब आप अपना कार्य बंद कर दो। ठीक, अब आता है आठवीं नंबर का हार्मोन इधर, और इधर आता है पांचवी नंबर का हार्मोन। तो सुन लीजिए, पांचवें नंबर में गोनेडोट्रोपिन, इसके द्वारा दो, ये एक हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, इनमें दो हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होंगे? एक LH होगा और एक FSH होगा, जगह ना होने के कारण फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्वाभाविक है कि ये पांचवें नंबर का हो गया और ये छठवें नंबर का हो गया, तो यहां से ये हटा दिया गया, पांचवा और छठवा हो गए, अब सात केवल एक बच रहा है यहां। देखिए गोनाड कौन कौन से, इनका जो टारगेट ऑर्गन होगा वह टारगेट ऑर्गन क्या होगा? गोनाड, टारगेट ऑर्गन क्या होगा? गोनाड, गोनाड कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो टेस्टिस होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? ओवरी होते हैं। टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन, यहां लिख लीजिए टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है, और यहां ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन मेन है तो यहां ईस्ट्रोजन लिख लीजिए। जैसे ये अधिक स्रावित हो जाएंगे तो यह मुख्य रूप से क्या करेंगे, इनके पास आएंगे, कहेंगे कि भैया अब बंद करो, अब ये बंद करो, ये बंद करने यानी कि निगेटिव फीडबैक देंगे। कैसा फीडबैक देंगे? निगेटिव फीडबैक देंगे। ऐसे ही यह भी इनको निगेटिव फीडबैक देंगे इनके लिए। ठीक, ये हो गया बंद। अब भैया जगह तो बची नहीं है, यहां आठ नौ करने हैं, यहां कितने करने हैं? देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, थायरोट्रोपिन हो गया था और आठवां था यहां, नहीं सॉरी ये इधर नहीं, यहां आएगा आठवां भी लिखा कहां है? गोनेडो RH रिलीजिंग, इसके लिए GnRH, इससे ध्यान रखेंगे ये GHRH है, ये ग्रोथ करने का कार्य कर रहा है, ये गोनेडोट्रोपिन के हार्मोन को नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे GnRH है और ये GHRH है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब एक नौवे नंबर का हार्मोन, यहां चूंकि जगह है अपने पास तो लिख दूं, अभी नहीं लिख रहा हूं, पहले यहां लिखना पड़ेगा। तो यहां सातवें नंबर का, जगह दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। सातवें नंबर का हार्मोन मैं लिखने जा रहा हूं, ये लिखिए एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, नहीं दिखाई दे रहा, काम नहीं बनेगा, नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर ही कहीं लिखना पड़ेगा बच्चों मेरे, पहले इनके बारे में एक बार देख लीजिए, फिर मिटालना पड़ेगा मुझे। देख लीजिए कि पिट्यूटरी के द्वारा सबसे पहला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से भाग के द्वारा, आपका ध्यान होगा एडिनो हाइपोफाइसिस या पास डिस्टेलिस के द्वारा मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मुख्य रूप से सीक्रेट हो रहा है और TSH हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के लंबाई वृद्धि का कार्य करते हैं, यानी वृद्धि के शरीर की वृद्धि, भीमकाय शरीर बनाने का कार्य करते हैं। क्या ये हार्मोन ज्यादा शरीर हो जाएगा तो जियांट बन जाएगा, तो इनके कार्यों को नियंत्रण किया ग्रोथ रिलीजिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग ने, इसको सोमेटोट्रोपिक भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन का कार्य कर रहा है, यानी मेमरी ग्लैंड पर टारगेट ऑर्गन है इसका। मेलानोसाइट्स, ये पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन है, पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन है जो मेलानिन
बनाता है और स्किन हेयर को आयरिस को कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये प्रोलेक्टिन आरएच और प्रोलेक्टिन आईएच ये दोनों है जो यहां मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रोलेक्टिन एमएसएच के लिए एमएसएच आरएच और आईएच मुख्य रूप से का एक रिलीज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और दूसरा उसको रोकने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये छह जो है देख लीजिए, ये छह जो है ये आरएच और आईएच फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो अगले तीन आएंगे वह रिलीजिंग फॉर्म में आएंगे, वह आईएच फॉर्म में नहीं आएंगे, इनहिबिटिंग फॉर्म नहीं उनकी होगी, ये विशेष ध्यान रखेंगे। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यह थायराइड ग्लैंड यह पिट्यूटरी ग्लैंड के टीएसएच पर नियंत्रण करता है और टीएसएच के लिए टारगेट ऑर्गन होता है थायराइड ग्लैंड और टीएसएच नियंत्रण करता है, वह थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन पर नियंत्रण करता है। तो फिर इनके हार्मोन कैसे रुकेंगे, जब इसके पर्याप्त हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं मतलब बन जाते हैं और वो कर लेता है हमारा काम चल रहा है, तो ये यहाँ नेगेटिव फीडबैक देता है इसको और इनको कि भैया आप अपने कार्यों को रोको तो ये रुक जाएगा और इसके कार्यों को रोका जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये रुक जाएगा। ऐसे ही गोनेडोट्रोपिन में आते हैं एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मुख्य रूप से जो एलएच है और एफएसएच है ये टेस्टिस और ओवरी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, टेस्टिस और ओवरी के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट किए जा रहे हैं। क्लियर, गोनाड के द्वारा इनका टारगेट ऑर्गन कौन है, गोनाड पर नियंत्रण करेंगे ये एलएचएफएसएच गोनाड पर नियंत्रण करेंगे। टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको एक एंड्रोजन कहा जाता है, एंड्रोजन एक बहुत ग्रुप है बहुत सारे हार्मोन का एक ग्रुप है, उसमें से एक मोनो हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, टेस्टिस का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाए रखने का कार्य करता है। ओवरी के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वह ईस्ट्रोजन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाए रखने का कार्य करता है या बनाता है। तो ये जैसे ही पर्याप्त हो जाएंगे, अब ये कहे नहीं हम तो बहुत ज्यादा हार्मोन टेस्टी सीक्रेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन जिससे हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, नहीं भैया सेकेंडरी सेक्सुअल ये थोड़ी है कि उसमें मर्दांगनी ज्यादा आ जाएगी, वह मर्दांगनी कम हो जाएगी, वह मर्दांगनी मुख्य रूप से कैसी हो जाएगी कम होगी। ऐसे ही ये ईस्ट्रोजन ज्यादा नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो ये कहते हैं कि भाई हमारे द्वारा हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं वो बहुत हो चुके, अब आप रोक लो। तो ये इनके कार्यों को नियंत्रण करने का कार्य करता है यानी नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक ये स्वयं के लिए देता है। तो इस प्रकार से तो ये देखिए इनके रिलीजिंग हार्मोन है सिर्फ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हो गए आठ। अब नौवे नंबर का जो है इसके लिए जगह नहीं है तो मैं मिटालना पड़ रहा है बच्चों, तो ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरुआत के तीन के पिट्यूटरी के आरएच और आईएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन है, तीन ऐसे हैं जो सिर्फ रिलीजिंग है उनके इनहिबिटिंग नहीं है, वहां नेगेटिव फीडबैक द्वारा नियंत्रण किया जाता है। चलिए ले लिया होगा मैं समझता हूं, देखिए सिर्फ एक हार्मोन बताना है, कितने हार्मोन बताना है बच्चों, सिर्फ एक हार्मोन बताना है, वहां छह हार्मोन हो गए थे, सातवें नंबर का हार्मोन पिट्यूटरी का बताना है, कौन से नंबर का बताना है, सातवें नंबर का पिट्यूटरी का हार्मोन बताना है, वह कौन सा है, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, इसको ACTH शॉर्ट में जाना जाता है, ACTH शॉर्ट में कह दिया गया। इसका मुख्य हार्मोन होता है कॉर्टिकोट्रोपिन। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, टारगेट ऑर्गन होगा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बहुत हार्मोन होते हैं जिसमें कॉर्टिसोल
मुख्य, ये लीजिए ठीक है, इनके कार्यों को नियंत्रण कौन सा करता है, ये करता है। तो इसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, इसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, तो वह नौवे नंबर का हार्मोन था। आठ पीछे हो चुके थे कि नहीं हो चुके थे, आठ पीछे हो चुके थे, तो इसको क्या कहा जाता है, सी आर एच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये कहता भैया तुम हार्मोन रिलीज करो, ये हार्मोन रिलीज करेगा तो ये इनके कार्यों को नियंत्रण करेगा, ये इसके लिए पॉजिटिव कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ये पूरे हो जाएंगे तो ये इसके लिए नेगेटिव कार्य करेगा, ये वाला इसके लिए नेगेटिव कार्य करेगा, तो इसको क्या कहा गया था, नेगेटिव फीडबैक, इसको क्या कहा गया था, नेगेटिव फीडबैक, क्लियर। तो ये हो गया ये नौवे। इस प्रकार से आपके टोटल एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उन पर चर्चा हुई है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और इंटरमीडिया के द्वारा इस प्रकार से सात हार्मोन प्रोडक्ट होकर सीक्रेट किए गए, जिनके कार्यों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया गया। अब भैया दूसरा भाग आता है जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको सिर्फ आप इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मिटालना पड़ेगा, तब मैं दोबारा दूसरा भाग बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट तो मिटाल दो। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर यहां लिख दूं, नहीं तो आप ये कहोगे ये एंटीरियर लोब के साथ हार्मोन थे, ठीक है हो गए। अब आते हैं पोस्टीरियर लोब के हार्मोन, तो इनके लिए मैं मिटालता हूं। चलिए चलिए अब क्या बताया जाए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के हार्मोन, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अब थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए, एक बार पुनः डायग्राम आपके दिमाग से निकल गया होगा, ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग मैंने क्या कहा था, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा था, हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसमें ये वाला जो भाग है इसको क्या कहा था, पार्स नर्वोसा, नर्वोसा, इसके द्वारा हार्मोन को स्टोर किया जाएगा और रिलीज किया जाएगा, इसके द्वारा हार्मोन को स्टोर किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो देखें आपको ध्यान होगा यहां का टोटल मैं अलग बना देता हूं, ये ऐसे भाग था ये डाइसेफेलॉन, अब यहां से ये ग्रुप, ये दूसरा, क्योंकि इसके द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, जिससे ध्यान रखेंगे पूर्व में मैंने ये कहा था ये इसका सगा पार्ट होता है, ये इसका सगा पार्ट होता है, दूर का रिश्तेदार नहीं है, जबकि ये वाला जो भाग है वो दूर का रिश्तेदार था, जिनके हार्मोन में बता चुका हूं, तो उन पर नियंत्रण कर रहा था, ये अपने सगे भाले भाग पर, यानी भाई है या बहन है जो भी है, उस पर नियंत्रण नहीं कर रहा, तू वो कहता है कि तू शांत डला रहा, आराम करता रहे, मैं तुझे बना बना के दे दूंगा, तू तो भैया स्टोर कर ले और खा ले पी ले और रिलीज कर दे, ये कार्य करता है। तो क्या किया जाता है, इनके द्वारा हार्मोन बनाए जाते हैं,
इसके द्वारा जो हार्मोन मुख्य रूप से बनाए जाते हैं क्या, तो जो हार्मोन बनाए जाते हैं इस भाग को क्या कहा जाता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, साइट ऑन बॉडी जो है ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इनके द्वारा मुख्य रूप से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वह है ऑक्सीटोसिन होता है, जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन पर कार्य करता है। इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, भाई दो प्रकार के हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, तो मुख्य रूप से वो कौन सा होगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन होगा, वह कौन सा होता है, वेसोप्रेसिन होता है। तो इस भाग को कहा जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, लिख दूं यहां पर मेरे बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। चलिए पार्स नर्वोसा क्या करेगा, स्टोर और रिलीजिंग का फंक्शन करेगा। ये हार्मोन नहीं बनाता, हार्मोन यहां बन रहे हैं, हार्मोन यहां बन रहे हैं बच्चों, देख लीजिए हार्मोन कहां बन रहे हैं, यहां बन रहे हैं इस जगह, और यहां से यहां आ रहे हैं, और ये इसको दे देंगे आके, ऐसे ये आ रहे हैं, ये इसको दे देंगे, तो ये क्या कर लेगा, हार्मोन को स्टोर कर लेगा और रिलीज कर देता है। तो ये इसके सगे बेटे हैं, सगे भाई हैं, सगी बहन है, तो इस वजह से ये कहता कि तू तो शांत रहे, हार्मोन मैं बनाऊंगा, तू तो बस रखे रहे और उसको निकाल दे, ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो लो पार्ट होता है स्टोर एंड रिलीजिंग का फंक्शन करता है, स्टोर एंड रिलीजिंग का फंक्शन करता है, स्टोर एंड रिलीजिंग, ऑक्सीटोसिन, लिख दूं यहां मैं पूरा लिख दूं, स्टोर एंड रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम, वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन इसको कहा जाता है, बट डज नॉट इट प्रोड्यूस क्लियर, समझ में आ गया, ये हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट पास नर्वोसा जो है यह हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज का कार्य करता को, लेकिन बनाता नहीं है, ये ध्यान में रखना है बच्चों। तो इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या कार्य करता है, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, यही लिख देता हूं, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचित करने का मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। कहां कहां संकुचन होगा ये भी देख लीजिए, पहला जो संकुचन है क्या, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, तो लिख दूं, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन किसको, यूटेरस की मायोकार्डियम की मसल्स को, यूटेरस की मायोकार्डियम जो तीस नंबर, सॉरी मायोकार्डियम नहीं, मायो यूटेराइन मसल्स यानी जो मसल्स का जो लेयर होता है उसको मुख्य रूप से करता है, कार्डियम तो हार्ट का हो गया, आई हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस मसल्स, मसल्स तो ये क्या करता है, हेल्प जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हेल्प इन
चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में हेल्प करती है। कैसे? देखो इमेजिन करिए, यूटेरस है, यूटेरस की मेम्ब्रेन है जो मसल्स की बनी हुई है, वो कांटेक्ट होंगी ऐसे। जब कांटेक्ट होंगी तो जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वह नीचे खिसकेगा, वह नीचे खिसकेगा। तो ये मुख्य रूप से हेल्प कर रहा है बच्चे के जन्म में, बच्चे के जन्म में मुख्य रूप से इसने हेल्प किया। दूसरा ये क्या फंक्शन करेगा? रिलीजिंग और रिलीजिंग हेल्प, सॉरी लिख दो, मिल्क के रिलीजिंग, रिलीजिंग ऑब्लिक इजैकुलेशन, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के रिलीज करने में। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा जो मिल्क बनाया गया था वह ल्यूमन में, मेमरी ग्लैंड के ल्यूमन में स्टोर था। ये आपको मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी, वहां स्टोर था। अब बच्चे ने इच्छा हुई तो मेमरी ग्लैंड की निपल को सक करने लगा, या माँ की इच्छा हुई तो माँ ने मुख्य रूप से कहा बच्चे भूखा है तो उसको दूध पिलाना है, तो उस दौरान लव हार्मोन सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। विशेष ध्यान, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं। ये तो बच्चा पैदा हो गया, अब ये भी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि फिर ये हेल्प बच्चा है नहीं है तो अभी, तो उस दौरान ये हार्मोन सीक्रेट होता है तो वो मिल्क को रिलीज कराता है, ल्यूमन में भरा जो मिल्क है। जैसे बच्चे ने निपिल को शक किया, ऐसे निपिल को शक किया तो वह दूध बाहर निकलने लगता है, रिलीज होने लगता है, रिलीज होने लगता है। तो ये कार्य मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। क्लियर? पहली बात तो ये हुआ। अब इसका दूसरा हार्मोन कौन सा है? वेसो प्रेसिन, या इसको एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक, इसकी फुल फॉर्म लिखे हैं बच्चों, एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। सुन लीजिए क्या कार्य होता है। जब आप और हम लोगों के शरीर में, आप और हम लोग पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पिया, लेकिन इसके बाद मुख्य रूप से पानी यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस दौरान ये हार्मोन सीक्रेट होगा और उस पानी को अधिक से अधिक किडनी में एब्जॉर्ब कराने का कार्य करेगा। देखिए ऑक्सीटोसिन एक तो कहां पहुंचा था? जन्म के लिए यूटेरस की मसल्स को कांटेक्ट किया। दूसरा यूटेरस कहां पहुंचा? मेमेरी ग्लैंड में, मेमेरी ग्लैंड में जाकर ये मिल्क को रिलीज कराया। ठीक है, ऐसे ही वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन रिलीज होकर कहां पहुंचता है? किडनी में। कहां पहुंचता है? किडनी में पहुंचता है, यानी टारगेट ऑर्गन इसका किडनी। किडनी में पहुंचकर पानी अधिक जो यूरिन के रूप में निकल रहा है, वाटर जो रिलीज हो रहा है, तो मुख्य रूप से उस पानी की कमी को रोकने का कार्य करता है, यानी वाटर को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कराने का कार्य करता है। वाटर को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कराने का कार्य जो किया जाता है वह ये किया जाता है। इस वजह से इसको एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी जब अपने शरीर में पानी की कमी, जब अपने शरीर में पानी की कमी होती है तो उसी दौरान ये हार्मोन सीक्रेट होता है और उस पानी की कमी की पूर्ति करने का कार्य करता है, यानी पानी को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण मूत्र के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो वह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एडीएच के द्वारा कराया जाता है। पहली बार इसको वेसोप्रेसिन नाम क्यों दिया गया? वेसोप्रेसिन नाम इस वजह से दिया गया कि यह ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो पानी मुख्य रूप से कम बाहर निकलेगा, पानी बाहर कम निकलेगा और यानी कि अधिक एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो एक चीज मुख्य रूप से इस वजह से इसको वेसोप्रेसी नाम दिया। बस इतना ध्यान रख लीजिए ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण इसको ब्लड वेसल्स नाम दिया, अर्थात पानी बाहर कम निकले। ये अब इसके फंक्शन लिख दें।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या फंक्शन है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट, इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो सो, यही लिख दूं, सो बीपी इंक्रीज। ठीक है, बीपी बढ़ गया, इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, सो बीपी इंक्रीज, पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से बताई जाती है, इट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। बताया था वाटर, यूरिन से वाटर को अधिक ऑब्जर्व करेगा तो मुख्य रूप से क्या होगा, यूरिन के वॉल्यूम को कम करेगा, यूरिन के वॉल्यूम को कम करेगा। ये चीज, ये स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जानते हैं, जानते हैं ना, पसीनी स्रावित करने वाली ग्लैंड को स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। ये स्वेट ग्लैंड से स्वेट के सीक्रेशन को कम, भैया पहले से ही डिहाइड्रेशन है गर्मी के दौरान पता चला और पानी को बाहर निकाल दिया गया तो और हो गया, तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, ये स्वेट ग्लैंड से स्वेट के सीक्रेशन यानी कि पसीना वाली ग्रंथि जो है उनसे पसीना स्रावित करने को कम करता है। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ। ठीक है, अब एडीएच की कमी हो जाए, एडीएच की मतलब इस हार्मोन की कमी होगी तो रोग भी होगा, कमी होगी तो रोग भी होगा। ये कमी को मैंने इसमें कर दिया, किसकी, वेसोप्रेसिन से लेकर आया हूं, तो मुख्य रूप से क्या लक्षण होंगे, रोग कौन सा होगा, ब्लैक से लिखूं, डायबिटीज, बोलिए डायबिटीज, मेरिटस सोच रहे हो, नहीं, इंसिपिड्स, इंसिपिड्स, ये बीमारी हो जाएगी, एडीएच की कमी हो जाए तो मुख्य रूप से ये बीमारी हो जाती है, पहली चीज। तो इस बीमारी में क्या होगा, पॉलीयूरिया या पॉलीयूरिन कह दे, पॉलीयूरिन यानी मूत्र, मूत्र यानी यूरिन का ज्यादा बनना। ठीक है, क्लियर। दूसरा, जब मूत्र ज्यादा बनेगा तो बीमारी एक होगी, प्यास अधिक लगेगी, उस बीमारी को क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया यानी प्यास अधिक लगना, पॉलीडिप्सिया क्या कहलाता है, प्यास अधिक लगना। ये आपके समाप्त हो गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा स्रावित होने वाले ये जो हार्मोन थे, ये दो हार्मोन थे, नंबर एक ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सिर्फ दो कार्य करता है, एक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चे के जन्म के दौरान, इधर लीजिंग हार्मोन या इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, ये मिल्क को बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है, ये ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन सीधे सीधे इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यूरिन वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, और ये स्वेट ग्लैंड से स्वेट को सीक्रेशन को कम करता है। ये इट, हाँ एक फंक्शन रह गया भैया, एक फंक्शन रह गया यहाँ लिखना, अब जगह नहीं है, आप लोग लिख लो, जगह नहीं है, आप लोग लिख लो, चाहो तो यहाँ भले ही मैं लिख दूं, इट प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सप्रेशर, यहां लिख रहा हूं मैं, इट प्रोडक्शन
ऑफ एल्कोहल सप्रेशन, ये भी इसका कार्य है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इनके द्वारा हार्मोन नहीं साबित हो रहा है, हार्मोन ये स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है। कौन कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और वेशोप्रेशिन। अब इसके बाद जो ग्लैंड आएगी बच्चों, वह कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी? थायराइड। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से।